हेलो एवरीबॉडी, आज मैं जा रहा हूँ रामेश्वरम, जहाँ भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी लंका पर चढ़ाई करने से पहले। और ये तमिलनाडु के साउथ तमिलनाडु में स्थित है और इसके बाद थ्रुशकोडी आ जाता है जो इंडिया का लास्ट पॉइंट है। तो देखिए, चारों तरफ नारियल के पेड़ ही पेड़ हैं, हर तरफ नारियल ही नारियल है। तो अभी मैं ट्रेन में हूँ, तो ट्रेन से जा रहा हूँ, उसके बाद आपको आगे। एवरीबॉडी, राधे राधे। आज मैं जा रहा हूँ रामेश्वरम, जहाँ भगवान राम ने मंदिर और शिवलिंग की स्थापना की थी, वहीं मैं जा रहा हूँ। और रामेश्वरम के लिए अभी कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है या कोई डायरेक्ट कन्वेंस नहीं है। चेन्नई से या जब भी किसी भी जगह से, मदुरई से जब आप आएंगे, तो यहाँ आपको मंडपम, इसका जो है लास्ट स्टेशन है मंडपम, यहाँ पे आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। और मंडपम के बाद फिर आपको यहाँ से बस या ट्रेन से रामेश्वरम तक आपको भेजा जाएगा। तो अभी हम लोग मंडपम स्टेशन पे हैं और यहाँ से फिर आगे देखेंगे कि ट्रेन या बस क्या मिलेगी, उसके बाद आगे जाएंगे। थैंक यू। अब मंडपम से हमने एक मिनी बस ले ली है, इसमें 100 रुपये फेयर है इसका। वैसे यहाँ मंडपम से आप ऑटो कैब वगैरह भी ले सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है, वो बहुत ज़्यादा आपको फेयर बताएंगे, तो थोड़ा सा बार्गेनिंग करके आपको सही चार्ज में, रेशनल फेयर में आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेज जो हैं, गवर्नमेंट बस, रोडवेज बसेज, उनसे आप जाएंगे तो आपका फेयर बहुत कम लगेगा। और कुछ प्राइवेट मिनी बसेज भी हैं, उनमें फेयर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो कंफर्टेबल है और बिल्कुल आपको रामेश्वरम टेंपल के पास में ड्रॉप करेंगे। ये मंडपम का बस स्टैंड है, यहाँ से बस, ऑटो, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये बे ऑफ बंगाल है, देखिए ब्लू वाटर दिखाई दे रहा है और इसी का बिल्कुल किनारे किनारे रोड है, उस पर मेरी बस चल रही है, मिनी बस मैंने ले ली है। और ब्लू वाटर, एकदम पानी पानी दिखाई दे रहा है। इंटांटिक बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता था, क्योंकि ट्रेन पानी के ऊपर से जाती थी और चारों तरफ पानी पानी होता था, नीचे बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता था। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 550 किलोमीटर है और ये तमिलनाडु में, बिल्कुल साउथ तमिलनाडु में है, लास्ट पॉइंट है एक तरीके से। इसके बाद इंडिया का लास्ट पॉइंट आता है धनुषकोटी, उसे धनुषकोटी भी कहते हैं। तो रामेश्वरम का तमिल में एक दूसरा नाम भी है, रामनाथ स्वामी मंदिर, वो यहाँ तमिल भाषा में उनको रामनाथ स्वामी कहते हैं। और वैसे ये जो है पूरे भारत में रामेश्वरम नाम से फेमस है। तो अब इसका जो वेस्ट गेट है, वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और देखते हैं अंदर, अगर अलाउड होगा तो आपको दर्शन करते हैं। फाइनली मेरा वेट ओवर हुआ और मैं पहुँच गया हूँ रामनाथ स्वामी यानी रामेश्वर टेम्पल के बिल्कुल वेस्ट गेट पर। क्या ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है, बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर है और इसका कॉरिडोर बहुत बड़ा है। और फाइनली मैं अब इसके अंदर जाऊंगा और ये रामेश्वर बिल्कुल मंदिर के पास में बहुत सारे ढाबे, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, धर्मशालाएँ हैं, यहाँ आपको इजीली रूम भी मिल जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आप ऑलरेडी बुकिंग करके आएँ तो ज़्यादा बेटर है। ये रामेश्वरम मंदिर का कॉरिडोरियम है और बहुत लंबा कॉरिडोरियम है ये। अभी मैं कॉरिडोरियम में हूँ और बिल्कुल मंदिर के अंदर प्रांगण में और गर्भस्थल की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ आके बहुत ही काम, बहुत ही सूदिंग फील हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव और स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही हैं। टेम्पल्स में आने के बाद एक आपको अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। तो आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ रिलैक्स्ड।